off. मेरे दिल में थोड़ी थोड़ी सी जगह. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. Hey guys, welcome back to my channel. My name is Sibyl Skur और मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर. So आज day 2 है सिक्किम के. So, मैं अभी ब्रश कर रही हूँ. हम सब 5 बजे उठे क्योंकि हम लोग को 6 बजे तक रेडी होके जाना है. सोगा सब रेडी होके इकट्ठा हुए हैं तो हम सब चाय पी रहे हैं. गाड़ी आ चुकी है. So, हम गाड़ी पे 9 जन बैठे हैं टोटल. मेरा नाक पूरा खराब हो गया था, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी. तो हमारी सवारी स्टार्ट हो चुका है. तो हम सब गाड़ी में बैठे हैं, टोटल 10 जन बैठे हैं, लेकिन हम लोग का गाड़ी पे सिर्फ 9 जन बैठे हैं. तो अभी हम लोग पहले जाएंगे बहुत दूर नथुला पास में, जो कि बहुत दूर है. तो यहाँ पे हम लोग सब वेट कर रहे हैं क्योंकि सब गाड़ी एक साथ हो इसके वजह से. हेलो मैम, आप लोग अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? उसके बाद जाएंगे. कितना किलोमीटर है नथुला पास? इससे आपको लगेगा 2 घंटा का रास्ता है. तो ढाई घंटे का रास्ता है. अच्छा, वहाँ पे बहुत ठंडा होगा ना? -3 डिग्री. OMG. तो यहाँ पे भी गाड़ी रुका है तो हर किसी से मिलाती हूँ. सेकंड डे. ये देखो हमारा वो उधर है. हेलो सर, कैसा ठंडा लग रहा है? ठंडा के लिए आया था ना. हाँ, ठंडा देखने आया सर लोग. हेलो. और भी लोग थे लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि दूर थे. तो सवारी फिर से चल पड़ी. तो अभी चलते हैं. तो यहाँ पे रुके हम लोग क्योंकि यहाँ पे वो मतलब हम लोग कितने लोग जा रहे हैं सब पास चेकिंग के लिए, क्योंकि नथुला पास जाने के लिए ये सब चेकिंग करना पड़ता है. तो ये हम लोग का देश का झंडा देख सकते हो. ये सिक्किम का पुलिस स्टेशन है. यहाँ पे हर किसी में हम लोगों ने पैसा दिया है जो कि खुद से दिया है. हर जगह में उन लोग को देना पड़ता है. तो क्या हुआ, पास चेकिंग में हम लोग सबसे पहले पहुँचे थे लेकिन हम लोग का ड्राइवर जो है वो इतना लेट करे हम सबको लास्ट में ला लिया. तो अभी ये धुंधला धुंधला वाला रास्ता है. इतना यहाँ पे फॉग का कुछ दिख भी नहीं रहा था पर, और इतना ऊपर हम लोग आ गए. हम लोग कितना फुट में ऊपर है? 14,000. बाकी साथी लोग मिल गए, उन लोग का गाड़ी भी दिख रहा है अभी हम लोग को. तो यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया क्योंकि इतना फॉग के कुछ दिखता नहीं. तो यहाँ पे गाड़ी पूरा पलट गया था. हर कोई बाहर जाके देख रहा था तो पर हम लोग को निकलने नहीं दिया तो मैं शूट नहीं कर पाई. तो मैं अंदर पे आप देख सकते हो इतना कपड़ा पहना कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी. तो अभी फॉग वाला रास्ता से अभी धूप दिखने को मिला. बहुत लंबा रास्ता सफर करने के बाद यहाँ पे रुके हैं सब कोई रेस्ट लेने के लिए. माथा पूरा घूम रहा है, आधा ब्लॉग ही नहीं कर पा. यहाँ से आप लोग भाड़े से मतलब कोई भी ड्रेस ये सब ले सकते हो, ठंडे का चीज और बाद में कुछ खाने का कुछ भी हो यहाँ पे मतलब कर सकते हो. यहाँ पे सब कोई चाय एंजॉय कर रहा है, मैम भी, और यहाँ पे मैं भी अपनी टी एंजॉय कर रही हूँ. सो ये व्यू देख सकते हो कितना सुंदर है. तो हम सबसे पहले यहाँ से निकल रहे हैं तो सबको छोड़ के. तो देख सकते हो सब लाइन पे है. तो अभी हम लोग आगे आगे चल रहे हैं. तो ये जगह तुमसुक लेक है. तो यहाँ पे आते समय हम लोग उठेंगे. अभी हम लोग को डायरेक्टली नथुला पास जाना है जो कि बहुत दूर है गाइस, बहुत. मेरा तो पूरा रास्ता रोड देखते देखते मेरा हालत ही खराब हो गया था. आप देख सकते हो कितना सुंदर है और मतलब बहुत क्लीन है लेकिन इतना टेढ़ा वेढ़ा रास्ता है. मेरा पूरा सर घूम रहा था. एक तो आगे बैठी थी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतना घूम रहा था मेरा सर. और फिर हर रास्ते में ये चेकिंग. तो ये फिर से चेकिंग हो रहा है यहाँ पे. बहुत रूल रेगुलेशंस के साथ चलते हैं तो ये चीज़ के लिए अच्छा है यहाँ पे क्योंकि एक्सीडेंट ये सब ना. तो इतना सुंदर प्लेस है और कोई शुरू हो गया सेल्फी उठाना सब कुछ करना, लेकिन मैं थोड़ा चढ़ने की ट्राई कर रही थी क्योंकि मैं हिल भी नहीं पा रही थी और इतना सांस लेने में मेरे को इतना प्रॉब्लम हुआ. इतना ठंडा हवा दे रहा था यहाँ पे, मतलब दिख नहीं रहा था लेकिन बहुत ठंडा हवा दे रहा था. तो ये यहाँ पे मतलब इंडिया चाइना का बॉर्डर दिखता है, पूरा उस साइड में चाइना दिखता है हम लोग. Thank you.
तो ये है हरभजन सिंह बाबा मंदिर, जो कि ये रियल वाला है, मतलब पुराना वाला है। यहाँ पे उनका मतलब शहीद हुआ था और यहीं पे स्थापित किया गया था उनका मंदिर। सो इसके अंदर मतलब उनका हर चीज़ें रखा हुआ, संभाल के रखा हुआ, अभी तक सब कुछ अच्छे से रखा हुआ था। सो ये वाला ऊपर का व्यू है, इतना सुंदर व्यू था और इतना ठंडा हवा था, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था यहाँ पे आकर। और यहाँ से मतलब चाइना बॉर्डर भी दिखता है, उस साइड में चाइना बॉर्डर है, आप सब देख सकते हो कैसे हवा दे रहा है। सो हम लोग को यहाँ का आने का फीस 250 देने को लगा। सब कुछ देख रही थी अच्छे से, मुझे इतना अच्छे से कुछ पता नहीं था, जो ड्राइवर अंकल ने बोला तो मैंने किया। तो मैंने शू पहन के आ गई थी, मुझे पता नहीं था, तो मुझे अभी इस रास्ते से जाना पड़ेगा। यहाँ पे थके हारे बैठी हुई जो कि हम लोग ही यहाँ पे आए हैं, हम लोग का पार्टी जो यही सिर्फ आया है और बाकी यहाँ पे कोई नहीं आया है। तो अभी नेक्स्ट न्यू वाला मंदिर में जाएंगे, तो अभी ये वाला आप इंजॉय कीजिए व्यू। तो आपको यहाँ पे कैफ़े कैंटीन ये सब मिल जाता है, यहाँ पे आप लोग मैगी कॉफ़ी ये सब पी सकते हैं, जो कि यहाँ के ऑफिसर लोग ही प्रोवाइड करते हैं। तो नीचे में भी एक मंदिर था जो कि हरभजन सिंह जी का था। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ क्या है अंदर में। तो हम दोनों बाहर जब आए तो आके देखा यहाँ पे बाकी लोग गायब थे, तो उनकी वेट कर रहे थे हम। सो अभी मैं थोड़ा मैगी खाऊंगी, मैगी खा के फिर बाहर निकले कहा जाते हैं। तो आई होप आज का ब्लॉग भी आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तो उससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 वो सब दे दिया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख सकते हो फर्स्ट डे कैसा गया, वो भी मैंने ब्लॉग दिया। तो जो और आप देख सकते हो मेरा हालत ख़राब हो रहा है, पूरा एकदम ठंडा लग रहा है, इतना हवा है, अच्छे से कुछ कैप्चर भी नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज माई सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था इसकी वजह से। यहाँ का पर मैगी प्राइस 40 रुपीज लिया है। तो हम लोग का बहुत टाइम यहाँ पे चला गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि बाकी लोग कहाँ गए, और बाकी लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो लोग गाड़ी में थे और हम लोग को नहीं पता था। तो इसके वजह से बहुत टाइम हम लोग का लॉस हो गया। तो एटलास्ट हम लोग नेक्स्ट लोकेशन में जा रहे हैं, जो कि न्यू बाबा मंदिर है। हम लोग पहुँच गए, आप देख सकते हो यहाँ का व्यू भी बहुत सुंदर है। पर हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि हम लोग का आधा टाइम सब कुछ चला गया था वहाँ पे। तो इसकी वजह से हम लोग स्पीड में देखने के लिए चले गए। ये आप देख सकते हो मैं हूँ। तो इस साइड में ये वाला व्यू बहुत सुंदर है, यहाँ से तो हम लोगों ने फोटो खींचा और फिर रील बनाया। बर्फ अभी देखना है, अभी थोड़ा बर्फ भी देखना बाकी रह गया, जहाँ पे थोड़ा बर्फ देखेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। हाँ, लाइफ गाइस, जैसे सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, हम लोग देख ही नहीं पाए क्योंकि हम लोग का टाइम बहुत चला गया था, उसकी वजह से हम लोगों ने बर्फ़ देख ही नहीं पाया। सब मायूस होकर ये व्यू इंजॉय करके जा रहे थे, तो बाद में ड्राइवर अंकल ने हम लोग को ऐसा जगह रुकाया जहाँ पर बर्फ़ था, एटलीस्ट थोड़ा तो दिखने को मिला। तब हम लोग बहुत खुश हुए कि कुछ भी हो थोड़ा तो मिला हम लोग को, जो देखने आए थे एटलीस्ट मिला हम लोग को। तो हर कोई यहाँ पे खुश हो गया था, हर कोई को देखो क्या कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग तुमसुक लेक में पहुंच गए। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ, आई होप आप लोग समझ सकते हो, इतना सुंदर से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि टाइम का बहुत शॉर्टिंग है। तो ये बहुत सुंदर लेक है, एकदम जमा हुआ है पूरा, और यहाँ पे आपको यक भी मिल जाता है। मैं इतना जल्दी जल्दी शूट कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूँ क्या। उठ सकते हो 5 मिनट में 200 चार्ज करते हैं, और यहाँ पे यक से इतना स्मेल आ रहा था और मैं चढ़ भी नहीं पाई। तो अभी हम लोग होटल के लिए निकल गए हैं। तो यहाँ पे धूप दिखने को मिल रहा है, तो अभी जो रास्ता आएगा फिर से धूप नहीं मिलता, यहाँ पे इतना फॉग होता है, जो कि आप लोगों ने देखा था आते समय रास्ते में, और जाते समय तो ज़्यादा ही हो गया था।
बहुत मतलब अंधेरा हो गया था, इतना अंधेरा था यहाँ पे। और जो ये ड्राइवर अंकल इतना सुंदर से गाड़ी चला रहे थे, मैं तो पूरा ट्रस्ट था, डर डर के गई हूँ और पढ़ पढ़ के गई हूँ कि कैसे भी करें अच्छे तरह पहुँच जाए। हम लोग कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। सबसे लास्ट मतलब हम लोग का ही गाड़ी बाद में पहुंचा था, आधा टाइम वहाँ पे ही चला गया था जो कि पुराना वाला बाबा मंदिर में। तो अभी हम लोग पहुँचते पहुँचते एट लास्ट हम लोग अच्छे से पहुँच गए और यहाँ पे हम लोग को मेला दिखने को मिला, तो हम लोग यहीं पे इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग चल चल के जाना पड़ा, गली गली एकदम पैदल, पूरा पैदल जाके पूरा जाएंगे होटल। और ऐसे हम लोग का एक्सरसाइज भी हो जाएगा और थोड़ा वार्म अप भी हो गए, तो ठंडा भी चला गया। अच्छा है हम लोग, लेकिन थोड़ा चल के जा रहे हैं ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाय हाय गाइस, क्या हुआ? सीधा 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 रास्ता भूल गए, हर रास्ता भूल गए, कौन सी तरफ जाएंगे, हर कोई कंफ्यूज है। रास्ता गुम होने के बाद भी एटलास हम लोग होटल पहुँचे। होटल पहुँच के हम लोग फ्रेश होके अभी हम लोग का आज लास्ट नाइट है सिक्किम में, तो अभी हम लास्ट नाइट भी घूम रहे हैं, तो थोड़ा सोचा टाइम स्पेंड करते हैं, हर कोई घूमते हैं। तो ये देख सकते हो ये इतना ठंड में प्रो बन रहा है, मतलब कैसे है यार। सो आइसक्रीम इंजॉय करके हम लोग आज का वीडियो एंड करते हैं। आई होप आप लोग का अच्छा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।